हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइफ आई स्टडी पॉइंट पे। अब आज हम इंडक्टर के बारे में देखेंगे। कुछ समय पहले हमने वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने इंडक्टर के बारे में पढ़ा था। आज इंडक्टर का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन देखते हैं। प्रेरक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। देखिएगा, हम दो इंडक्टर लेते हैं। अज्यूम किया ये हमारे पास इंडक्टर फर्स्ट है L1 और ये इंडक्टर है हमारे पास L2। दोनों को हमने किसमें कनेक्ट किया? सीरीज में। और जो ये वोल्टेज सोर्स है वो एसी है, जिसका वोल्टेज हमने लिया है वी। सर्किट में करंट फ्लो हो रही है आई, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 और यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा V2 करंट आई। तो देखिएगा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम अनुसार जो टोटल वोल्टेज V होगा KVL के अनुसार, ये V होगा अपने पास V1 प्लस V2। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालते हैं वो बराबर होता है V इक्वल्स टू I इंटू XL। अगर हम कैलकुलेट करें V1 तो वो क्या होगा? I मल्टीप्लाई इंटू XL1। और इसी तरीके से V2 कैलकुलेट किया जाए तो ये होगा I इंटू XL2। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने और इसको इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण एक में दो से मान रखने पर वैल्यू पुट कीजिएगा। वी की जो वैल्यू है वो है IXL और ये है IXL1 प्लस IXL2। तो देखिएगा, हमारे पास यहां से जो होगा आई कॉमन आ जाएगा, ये XL1 और ये XL2। आई से आई कैंसिल आउट, क्या आया? XL1 बराबर XL1 प्लस XL2। जैसा कि हम जानते हैं XL जो होता है अपने पास वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जो बराबर होता है 2 पाई FL। तो इसी तरीके से XL1 कैलकुलेट किया जाए तो ये आएगा 2 पाई FL1 और XL2 कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आएगा 2 पाई FL2। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लें और इसे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखेंगे। समीकरण 3 में 4 से वैल्यू पुट कीजिएगा। XL की वैल्यू है 2 पाई FL और ये इक्वल्स टू XL1 है 2 पाई FL1। XL2 होगा हमारे पास 2 पाई FL2। तो देखिएगा, 2 पाई FL, यहां से 2 पाई F हमारे पास कॉमन, L1 प्लस L2। 2 पाई F से 2 पाई कैंसिल आउट, L इक्वल्स टू क्या आ गया? L1 प्लस L2। तो हमें यहां जो रिजल्टेंट मिला वो ये मिला कि अगर इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करें, तो सभी इंडक्टर क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो यानी कि जो टोटल वैल्यू मिलेगी हमें वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो प्रेरक है उससे ज्यादा मिलेगी। तो देखिएगा, यहां से जो हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर मिले वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि अज्यूम करते हैं ये हमारे पास 2 हेनरी का इंडक्टर है और ये हमारे पास 4 हेनरी का है। तो जो इक्वलेंट आएगा यानी कि L, वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा यानी कि जोड़ के बराबर होगा। तो दोनों का ऐड किया, 2 प्लस 4, हमें मिला 6 हेनरी। ये 6 हेनरी हमें 2 हेनरी से भी ज्यादा है और 4 हेनरी से भी ज्यादा है। तो एक फर्स्ट पॉइंट ये मिलता है, प्रेरक के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरक का मान हमेशा व्यक्तिगत प्रेरकों के मान से अधिक प्राप्त होता है। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करता है वोल्टेज का।
कि भाई दो इंडक्टर है हमारे पास, ये L1 था और ये L2 है, तो दोनों में से वोल्टेज किसके अक्रॉस ज्यादा होगा? तो देखिएगा वोल्टेज XL1 और XL2, तो वोल्टेज करंट पर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि करंट तो सभी के अक्रॉस क्या होगा, इक्वल। केवल किस पर डिपेंड करेगा? L1 L2, यानी कि यहां पर देखिएगा XL1 और XL2, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी यानी जिस इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसी के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज अधिक होगा। तो सेकंड फैक्टर जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि प्रेरक के श्रेणी क्रम संयोजन में जिस प्रेरक का मान अधिक होता है उसके मध्य वोल्टेज अधिक होता है, तथा जिस प्रेरक का मान कम होता है उसके मध्य वोल्टेज कम होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यदि अपने पास जो समान मान के यानी कि इंडक्टर मान लीजिए 10 हेनरी के हमारे पास 10 इंडक्टर हैं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिएगा, यदि हमारे पास यदि n समान मान के l प्रेरक श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं, तो इनका तुल्य प्रेरक nl के बराबर होगा। यानी कि अगर एल डैश निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एन एल के बराबर, यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होगा। यदि एन समान मान के एल प्रेरक हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई, तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिएक्टेंस की बात करते हैं, जिसे हम प्रतिघात भी बोलते हैं, प्रतिघात रिएक्टेंस। देखिएगा जो रिएक्टेंस है वो डिपेंड करता है XL equals to 2πfL फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर पर। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों के लिए कॉमन रहने वाली है, तो जिस इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, तथा जिस रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी उसका रिएक्टेंस भी, जिस इंडक्टर की वैल्यू कम होगी उसका रिएक्टेंस भी कम होगा। यानी कि जो अपने पास रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टर के। यानी कि हमसे क्वेश्चन जब ये पूछा जाए कि बताइए कि अपने पास 2 हेनरी, 5 हेनरी, 6 हेनरी, 8 हेनरी के प्रेरक हैं, वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो बताइए किसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसका वैल्यू अपने पास इंडक्टेंस की ज्यादा होगी उसी का रिएक्टेंस हमारे पास ज्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रेरक का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। अज्यूम करते हैं ये हमारे पास दो इंडक्टर है, ये हमने वैल्यू ले ली L1 और सेकेंड इंडक्टर जो है हमारे पास वो क्या है L2, और वोल्टेज सोर्स लिया है हमने प्लस V। तो देखिएगा इन दोनों पॉइंट को हमने कैसे जोड़ दिया, यहाँ पर, और इन दोनों पॉइंट को ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो I, यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी I1 और I2। तो देखिएगा इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ इसके अक्रॉस इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा और इस इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। तो देखिएगा किरचॉफ के धारा नियम अनुसार, KCL के अनुसार, तो देखिएगा इस पॉइंट पर हम KCL लगा रहे हैं, किरचॉफ के धारा नियम अनुसार क्या होता है, आने वाली धारा किसके बराबर होगी, जाने वाली धारा के बराबर। इनकमिंग करंट क्या है अपने पास I, यानी कि आने वाली धारा क्या है I, जाने वाली करंट कौन कौन सी है हमारे पास, यानी कि आउटगोइंग करंट I1 I2, तो I equals to होगा हमारे पास I1 plus I2, इसे हम consider कर लेते हैं equation number first। Second देखिएगा जो अपन calculate करते हैं inductor के across current, तो I equals to होता है V upon XL, तो I1 मुझे calculate करना है वो होगा अपने पास V upon XL1, I2 calculate करेंगे तो वो होगा V upon XL2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिएगा समीकरण 1 व 2 से मान रखिएगा I की वैल्यू होगी V अपॉन XL, I1 की वैल्यू होगी V अपॉन XL1 और I2 की वैल्यू होगी V अपॉन XL2। तो देखिएगा V कॉमन होने के कारण कट जाएगा, कैंसल आउट, 1 अपॉन XL
वन अपॉन एक्स एल वन, वन अपॉन एक्स एल टू, और हम जानते हैं कि एक्स एल इक्वल्स टू होता है टू पाई एफ एल, एक्स एल वन होगा टू पाई एफ एल वन और एक्स एल टू होगा अपने पास टू पाई एफ एल टू। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो समीकरण तीन व चार से मान रख दीजिएगा, समीकरण तीन व चार से मान रखने पर, तो देखिएगा आई एक्सएल वन की वैल्यू किसके बराबर है टू पाई एफ एल, एक्सएल टू की टू पाई एफ एल वन, वन अपॉन टू पाई एफ एल टू। तो यहां से देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो टू पाई एफ क्या है, सब में कॉमन है इसलिए कट जाएगा, तो जो वैल्यू मिलेगी हमें वन अपॉन एल इक्वल्स टू वन अपॉन एल वन वन अपॉन एल टू। ऐसा डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एल इक्वल्स टू एल वन मल्टीप्लाई एल टू डिवाइडेड बाय एल वन प्लस एल टू। इसका मतलब है कि प्रेरक के समांतर क्रम संयोजन में जो अपने पास टोटल प्रेरक होगा तुल्य प्रेरक वो क्या होता है इनवर्सली ऐड हो जाता है। तो देखिए वैल्यू हम ऑप्शन कुछ कंसिडर करते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। ये ले लिया मैंने 10 हेनरी और ये ले लिया मैंने 15 हेनरी। तो कैलकुलेट करते हैं, यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। 10 मल्टीप्लाई 15 दोनों का ऐड किया तो 25, यहां से इसको काट दीजिएगा 5 से तो टोटल वैल्यू मिली मुझे 6 हेनरी। तो देखिएगा ये 6 हेनरी अपने पास 10 हेनरी से भी कम है और 15 हेनरी से भी कम है। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि प्रेरक के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रेरक का मान हमेशा व्यक्तिगत प्रेरक के मान से कम प्राप्त होगा, और किससे कम प्राप्त होगा, जो सबसे छोटा प्रेरक कितना है 10 हेनरी उससे भी कम मिलेगा हमें। देखिए प्रेरक के समांतर क्रम संयोजन से जो रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं करंट, क्योंकि दो इंडक्टर हैं तो बताइए कौन सा इंडक्टर करंट ज्यादा लेगा या कम लेगा। तो देखिएगा प्रेरक के समांतर क्रम संयोजन में जिस प्रेरक का मान अधिक होता है, जिस प्रेरक का मान अधिक होता है वह कम धारा लेता है। देखिए कैसे I इक्वल्स टू होता है V अपॉन XL और XL की वैल्यू क्या होती है 2 पाई FL, यानी इंडक्टर की वैल्यू हाई होगी तो करंट क्या होगा अपने पास लो होगा। सेकंड फैक्टर देखते हैं, प्रेरक के समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान समान रहता है। देखिएगा कि जो अपने पास इंडक्टर कनेक्टेड थे वो सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड थे तो सभी पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या होगा इक्वल, इसीलिए सभी इंडक्टर के अक्रॉस क्या विभव क्या होता है वोल्टेज समान होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यदि n समान मान के l प्रेरक समांतर क्रम में, l समान मान के n प्रेरक समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य प्रेरक l डैश l बटा n के बराबर होगा। तो देखिएगा कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि 10 हेनरी के 10 प्रेरक हमारे पास समांतर में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रेरक का मान होगा, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 10 1 हेनरी।